जो एक रियलिटी चेक करने निकले हैं जोगाराम पटेल, और जिस तरह से सुशांत ने बताया कि साथ में कलेक्टर भी दौरा कर रहे हैं। अब सीकर का रुख करते हैं। इस वक्त ही एक बड़ी खबर वहां से आ रही है, दातारामगढ़ में मिट्टी ढहने से 3 लोगों की मौत हुई है। ग्रामीणों की मदद से 3 को निकाल लिया गया है, 2 भाई और 1 चाचा जो उनका था, उन समेत 3 लोगों की जान गई है। जमीन में हौद बनाने के लिए खुदाई हो रही थी, इससे दबने से 3 की मौत हो गई है। मिट्टी ढह गई वहां और फिर 3 का वहां पर देहांत हो गया। तो ग्रामीणों की मदद से 3 को निकाल लिया गया है, 2 भाई और उनके चाचा वहां पर हौद बनाने के लिए खुदाई हो रही थी, वहां मौजूद थे और तभी मिट्टी खिसक गई और ढहने से 3 की जान चली गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त पर अस्पताल की, जहां पर शव के साथ परिवारजन और पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। बड़ी वाकई जो है संवेदनशील घटना है और इस दौरान बारिश भी इस दौरान राजस्थान में तेज आ रही है, इसके चलते काफ़ी ज़मीन में भी एक तरह से कहें कि ज़मीन भी ढीली हो गई है इस दौरान। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, जब अगर कहीं खुदाई की जाए तो मिट्टी ढहने के जो आशंका है वो ज़्यादा रहती है। अब ज़्यादा जानकारियां क्या हैं वो आगे भी आपको बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल ये एक ब्रेकिंग खबर है वहाँ से, 3 लोगों की जान चली गई है मिट्टी ढहने से। तो ज़मीन में हौद बनाने के लिए खुदाई हो रही थी और खुदाई के दौरान 2 भाई और उनके चाचा मौजूद थे, लेकिन मिट्टी ढह गई और 3 लोगों की जान चली गई। कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ें और जानने के प्रयास करेंगे हम कि क्या वजह रही इस घटना की, किस तरह से मिट्टी ढह पाई और क्यों जान नहीं बचाई जा सकी। ग्रामीणों ने हालांकि 3 को बाहर निकाला, क्या अस्पताल लेकर आया गया उन्हें, क्या इलाज किया गया, इसकी तमाम जानकारी हम हमारे सहयोगी से लेंगे। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग खबर इस वक्त दातारामगढ़ से है। जगदेव पवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। जगदेव, दातारामगढ़ में कहाँ की घटना है, जरा ये बताइए दर्शकों को, और क्या वजह रही कि मिट्टी ढह गई और क्या बचाया नहीं जा सका इन्हें समय रहते। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीकर जिले के दातारामगढ़ के नजदीकी मेई गांव है, मेई राजपुरा गांव, वहां की ये आज सुबह की घटना है, करीब 11 बजे के आसपास की। और वहां पे जो घर के अंदर जो होद बनाने के लिए जो मिट्टी खोदी जा रही थी, वो मिट्टी ढहने के कारण जो ये हादसा सामने आया है। इसमें जो है 3 जनों की जो है मौत हो चुकी है, जिसमें 2 युवक है, राहुल और विक्की, इसके साथ ही इनके जो चाचा थे किशन सिंह, उनकी भी जो है मिट्टी भी ढहने से जो है मौत हो चुकी है। और उसके बाद में जब सूचना मिली तो वहाँ दातारामगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जो मृतकों का जो शव था उनको निकलवा कर जो दातारामगढ़ अस्पताल है वहां उनको भिजवाया गया, जहां पे चिकित्सकों ने 3 को जो है मृत घोषित कर दिया है। और इस मामले में फिलहाल जो है पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और ये पूरा घटनाक्रम जो है मेरी गांव का है। तो क्या इसमें चिकित्सकों ने जो है आप लेकर गए वहां पर, आपने जानकारी दी बचाया नहीं जा सका, तो वाकई एकदम संवेदनशील घटना की 3 की जान चली गई, लेकिन इस तरह की जो घटना है उसमें 3 लोगों की मौत हुई है, ये खबर जगदेव ने दी। बहुत शुक्रिया जगदेव आपका जानकारी के लिए।